अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यमी फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही क्विक तैयार होने वाली रेसिपी है। हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक मायो। तो इसके लिए हमें बहुत ही कम चीज़ें चाहिए, लेकिन इसका टेस्ट जो है मायो का इससे बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, और ये आप किसी भी स्नैक के साथ ले सकते हैं। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि तमाम नई आने वाली रेसिपीज आपको मिल सकें। तो गार्लिक मायो के लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून, ये हमने मायोनीस ले लिया, ये 2 गार्लिक क्लोव्स को हमने पेस्ट बना लिया, और ये 1 पिंच जो हम है चिली फ्लेक्स लेंगे, 2 पिंच हमने ब्लैक पेपर लिया है, और ये हमने सॉल्ट ले लिया है, ये भी 2 पिंच लिया है। तो सबसे पहले हम ये अपनी कटोरी में मायनीस निकाल लेंगे। ये अपनी मायनीस में हम अब गार्लिक डालेंगे और सॉल्ट डालेंगे और ब्लैक पेपर डालेंगे, और इन तमाम चीज़ों को मिला लेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ब्लैक पेपर आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर इसमें अच्छा ही लगता है जी। ये हमने तमाम चीज़ों को मिला लिया। अब इसके ऊपर हम ये चिली फ्लेक्स से गार्निशिंग कर देंगे, ये इससे बहुत ही खूबसूरत देखने में लगेगी। और हमारी गार्लिक मायो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप इसको, इससे पहले जो है मैंने गार्लिक पोटैटो फिंगर फ्राइज बनाए थे, उसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है। अगर जिस किसी ने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। उसके साथ ये मायो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसी तरह नई रेसिपीज के साथ फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।